जो भैया
धाम की, सब संतन की जय, सनातन धर्म की, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। देखो सज्जनों, अपने कल्याण के वास्ते महात्माओं तीन रास्ता बनाया है, कर्म, उपासना और ज्ञान। कर्म भया करे कर्म कांड ने, जिनमें जप तप तीर्थ नेम व्रत पूजा दान पुण्य ये सभी आ जावे। आप प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई है तो पढ़ाई है, मौड़ी नहीं है, लेकिन है प्राइमरी स्कूल। दूसरा मार्ग है योग, जिन्हें कहा करे उपासना कांड, वहाँ सेकेंडरी पढ़ाई है, 11वीं तक आई स्कूल में। बिन्ने ईश्वर ने सिरे मान आप आसन उप लगावे और फिर शरीर में इन्होंने ढूंढे। उन ढूंढने में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, इन्हें अष्टांग योग, इन आठों अंगों के कारण क्या करे हैं। और बिन्ने द्वारा चित्त वृत्ति निरोध से योग, चित्र वृत्तियों में भटकते रोकनो ही योग है। योग योग जो के है तो चित्री वृत्तिया रे भटकाव में रोक नहीं एक योग। आप देखो कोई मेहमान आवे, बिने अच्छी गरी बिछाओ, अच्छो घासियो बिछाओ, आप अंदर जाओ, चाय लावने पानी लावने जब आप नजर दे जो कने जो भी आपने उन गरी में तोतर तोड़ तो बेड़ी मेहमान कने कने आप नजर दे जो अब वो ठीक करियो, हकरम करियो, और दरी तो तांत रहो इस बनी है, और एक एक मेहमान एक एक तांतन तोड़ इस बार दरी हानि की ताक में। अरे आदर वास्ते बेचारिये घिरों दो तांतन लाए हुए तो दौड़ में भगाई जा, तने तोड़ न पे अधिकार दियो। अरे खौम रो अधिकार है, अपने खेत में दरखत लगाओ ना, अपने अधिकार है रोईडा लगाओ, खेजरे लगाओ, लेकिन अपने खेत रो रोईडो खेजरी अपने काटनो अधिकार नहीं है, परमिशन लेनी पड़े गवर्नमेंट को, नहीं? अपने बच्चा पैदा करने का अधिकार जरूर है, लेकिन अपने कीड़ा में अपने सराय सुगड़े सुगड़े बच्चा ने मारनो काटनो अधिकार अपने नहीं है, तो वो गरीबों धागा क्यों काटे। पूरी बापड़े की गलती कौन है, उन्हें जी बारे में गलती ठिकाने को इस तरह कौन है, उन्हें तो मेन कई कारण है, और दूसरा जब हाथ में काम नहीं है तो वो तोतन का दुकानदार ताड़ा लगाए हम घर जाऊं आधी दूर जाऊं ना खोट की खाड़ में खाद आवे नाड़ में, अरे मैं ताड़ो दियो को दियो तो हाथ तो थारा ही होता ताड़ो दियो जने, पर तू खुद उठे को तो नहीं, तू कभी भटकने क्यों रहे। ऐसी चीजा चित्र वृत्ति की संसलता के कारण हुए, और यह गहराई की चीजा समझनी चीजा फोन आवे आप नजर दे दो शायद आ करके तो खेल वही गणे करता हूँ ना, फोन आवे तो एकदम हेलो 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 बात करो, पे मन कहा को नहीं हूँ भेड़ो ना रही को नहीं हूँ एक पैयो रही देवाड़ को नहीं मारो नहीं आई जैसे ढूंढे जो कर देंगे कहीं हाथ खाए हो किसी में करे कोविड में बात तो उठे होनी जे बोले तो उठे होनी जे हाथ उठे दिखे तो है को नहीं एक लोग को धोरे माते हाथ क्यों खाए छोटी छोटी चीजों जीवन में समझ नहीं इस इन सबसे नीचे क्या है इनका चित्त स्थिर नहीं है। कई लोग बोले नहीं तो बोले नहीं बीच में तकिया कलम लगावे नहीं चाहिए जिसके फौरा शब्द लगावे मन में दौड़ने में एक मेहतरा बोलो, लेकिन जिसके विवेकी पुरुष है नहीं वे उन्हें रिजेक्ट कर दे जिसके अंदर अरे सामना बोले झुके सुबह बोले जिसके बड़े बीच में अशुद्ध शब्द आ जाए जनता बोले कहीं तेरह हम लेकिन वे सब सभी क्यों आवे कि चित्री चंचलता रखा रहे हैं अब उन चित्री चंचलता ने मेट लो योग है तो और योग रो मार्ग है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। यम में कहीं है और है जमाओ डरो मनी और ये जमदूत पकड़ लेंगे जमदूत को बारे में हिंगो वाला पवा लेंगे देवदूत और यमदूत एक ही फौज है। दुष्ट ने तो भी जमदूत दिखे और भक्त ने सज्जन ने भी देवदूत दिखे। कोई आदमी ने गुंडा लूट लिया है पुलिस वालों आवे जिसके टाइम जिनने लूटे उन्हें तो लागे पुलिस वालों आवे मारी मुखाड़ी करी, लेकिन उन गुंडा ने नहीं लागे वो दुष्ट आवे मन पकड़ दे हम है तो ये खाके पुलिस वाले है नहीं, लेकिन उन्होंने दोनों की दृष्टि में अलग अलग शिकारी जावे हिरण ने मारे हिरण मार लो
जगह जगह झाड़ों में लुक जावे शिकारी कह रहे आज हिरन खावड़ गयो गयो खावड़ क्यों हिरन थाने खावड़ लाग तो वेला वो तो आपकी जिंदगी बचान के वो आपने हितवाद खावड़ गयो हिरन तो एनी तरीके हूँ यम का मतलब है अपने अंदर बड़े बड़े विकार कौन से उनका त्याग करना और नियम सील है संतोष है सत्य है ब्रह्मचर्य है धारण करना इत्यादि इत्यादि यम नियम आसन 84 आसन है दिन में सिद्ध आसन सहज आसन सुख आसन ऐसा आसन साधना फिर प्राणायाम पवन ने अंदर खींचनी जितनी रुक सके जितनी रोकनी धीरे धीरे बाहर निकालनी इन्हें कया करे प्राणायाम प्राणायाम रा तीन भाग है पूर्व कुंभ का रेचक पूर्व का मतलब पवन का मतलब पूर्ण कुंभ का मतलब रोगनी घड़ो उजावे पेट उजावे घड़ो भेजो इन्हों जो उन्होंने नाम कुंभ ने कहे घड़े ने कुंभ के उन्हें और धीरे धीरे निकालनी हो रेच यम नियम आसन प्राणायाम फिर प्रत्याहार सात्विक भोजन कर लो और बार बार अभ्यास कर लो फिर धारणा मन में पक्की धारणा करनी फिर ध्यान में स्थिर करना जड़ समाधि लाइए और वो समाधि संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि दो तरह की समाधि है और उन समाधि में पांच कलेशों खातो खत्म हो जा करे राग द्वेष अविद्या अस्मिता और अभिनिवेश ये पांच कलेश राज कया करे दुनिया रे मोय मारा पड़ा रो भाव जबकि दुनिया में अपनों कुछ नहीं हाँ खुबदारी माया के नहीं और संसार सुपनो है और खुली है जिसे है और बंद हुई जिसे नहीं जय राम जी तो और पे आप रो मान दे बैठो और इस राज है एक कोई नौकरी ने की नहीं जान रहे हो माँ माँ थारे लाल ये बिच्छू खाएगी अबे वाह दौड़ी रोए और है मारे लाल ये बिच्छू खाएगी आदि दूर की इनको टावर हम आयो अरे मारे लाल ये की करे लाल ये तो ठीक है तो बिच्छू के बिच्छू पड़ोसी वाले बाल ये रखा दे वाह भाई ये बात सारो भगवान भलो जो लाल ये तो मारो उन्हें नहीं खाओ चाहिए बाल ये तो पाड़े और खा दे कोई बात नहीं और संसार में मारा पड़ो बंधन है मारो कुछ नहीं सच्ची बात अगर आप देखो तो अपनो थोड़ो मोरो कान नहीं है इन दुनिया में कई लोग हमारे गिरे लोग ये बेटा है अरे मैं दृष्टि से अंधे के जो कई का लाल नजर हमारा कई तो सैन है कई दुश्मन अगर एक आज मेरे पांच सौ बेटा है तो है सैन को नहीं कई तो सैन है चाहिए कई दुश्मन है चाहिए बदलो ले उन्हें और वे दुश्मन आप रात का नींद में हुए नींद आवन पहली थोड़े सैन याद बहुत कम आई दुश्मन याद आई ठालो भूलो और धारे और द्वेष तो राग द्वेष अविद्या अपना स्वरूप में ज्ञान नहीं दुनिया ने तो है ना ना पहचाने खुद ने नहीं पहचाने बस इतनी भूल है मैं पूर्ण पूर्ण कटम आया हूँ कैडो मारो स्वरूप है कहीं मैंने करना है कटम मैंने जाऊँ और टीकर समाऊँ मोटी बात तो आ है देखो एक अलग बात करूँ मैं आपने दूसरी सब बातों में विवाद चले लेकिन एक बात दो बातों में विवाद नहीं चले वो दो बातों कौन सी है एक मुक्ति सभी ज्ञान से ही मानते मुक्ति तीर्थ नहीं हुए मुक्ति माला नहीं हुए मुक्ति जोग नहीं हुए मुक्ति यज्ञ नहीं हुए मुक्ति के लिए ज्ञान ही है यथान ज्ञान तथा न मुक्ति अब नाम नहरा नहरा दे दिया कबीरपंथी के पार ज्ञान मुक्ति हुए जैनी के केवल ज्ञान मुक्ति हुए योगी के आत्म ज्ञान मुक्ति हुए वेदांति के ब्रह्म ज्ञान मुक्ति में लेकिन सभी के बीच ज्ञान लगा हुआ ज्ञान है ज्ञान से ही मुक्ति होगी बीजा साधन कितना ही करो ठीक है तो अपने अपना टाइम पास कर लो लेकिन टाइम है कितने अपने खाने टाइम तो गिनी होने समय अपने को कितना समय अपने का टाइम कितना खौ बराबर दिन कितना है 100 साल में कितना दिन हुए आप हैं शेष बिराज जो शेष और मतों बड़े वो कह जो कम इस पड़ियों लिखियों पर आपने जानकारी मिला 100 सालों में दिन कितने हुए हाड़ा 36,000 ये नहीं हाड़ा 36,000 में 100 साल जीवनिया कितना है आज औसत उम्र कितनी है 50 साल है यानी अपन मौकों कितना मिली हो 18,000 दिन हो 18,000 दिन हो आधो भाग रात का लोग क्यों आधो जो बड़ा कॉमन एक दिन 24 घंटों रोज रात दिन मिला है मैं आधो भरे क्यों करूं आज एक बड़ा क्यों करूं जाने अपने 9,000 दिन मिल गया अब 9,000 दिन हम अवस्था चार है
बुढ़ारी हो गए थे कहीं कर नहीं सके और अभी दूसरे जन भले राम 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 कहते राम राम बाबा कहीं कर नहीं सके दो उम्र होगी चार हजार अरे चार हजार अब चार हजार में जिसमें ज्ञान की उम्र भले वहाँ ज्ञान की उम्र पागल कह दे उनका इधी के और चीज हीड़ो ऊँच कह दे वो वर्त ही नहीं छोड़ दे उनमें लारे इतो टाइम दियो 2000 दिन दिया 2500 दिन हवा 2000 दिनों में कमाओ खाओ संसार में व्यवहार में लेनो और जीव रो कल्याण कर लो इतो टाइम तो राग द्वेष अविद्या अस्मिता और अभिनिवेश और है कर्म कांड रो विषय ज्ञान रो विषय इतो घोरो है इतो आसान है कि जिनमें कई करना नहीं पड़े करने करने रोज खातों खत्म करना पड़े केवल आप खुद चेतन आत्मा ब्रह्म हो और करीब करीब गीता में कोई अजनबी नहीं है गीता रे आप सब जानकार हो गई लोग में पढ़नी है विराजी आए गीता हिंदुओं रो सबो मोटो शास्त्र है और हिंदुओं रो नहीं विश्व रे मोय अन्य ईसाई और मुसलमान भी क्या कोई हिंदुओं या गीता या तो अपरंपार और गीता में स्पष्ट निकलो ये अर्जुन ये आत्मा अकर्ता है अभोक्ता है निर्लेप है निर्बंधन है अजर है अमर है अविनाशी है अखंड है अनामी है अरूपा है एक है सत्य है चित्त है आनंद है असति है भाति है प्रिय है निराधार है निरालंब है अहम आत्मा का विशेषण अब ये विशेषण किस तरह से सारा करते हैं कुटी में नाम निर्जन गाई कोनी और आई बोली वह बरू में सर आत्मा सत्य है और ओपे हम ओकाई है कहिए नारायण जी मार हाडू जी विराज जी ओकाई है ओमाई के वो तो कहूंगा पानी की मटकी है तो ओकाई है वो तो माई के जी रही मारे मटकी क्या हो जाए हूँ कह दो तो खून मौसम बोल जाए ये क्या है ये माइक तो माइक ही रहेगा इसलिए आप आत्मा ही हो अब आप इन्हें शरीर मानो इंद्रियों मानो मन अंतकरण मानो जीव मानो कुछ भी मानो लेकिन आप हो कहीं आत्मा और उस आत्मा को जानने से ही मुक्ति होती है इन वास्ते आप ज्यादा टाइम नहीं लू अमर घर जो भी है उनके पलटो ना मेरा मुझसे मिल गया दूजा है तो चुनाए दर्शन पाया अपने रूप रज हो गया तन से मन समझा ना नारी मुझ में नहीं नहीं कोई भाव अभाव ग्रहण त्याग में नहीं बने शुद्ध में शुद्ध समाज लेकिन आ बात अंदर एडी फिट होनी चाहिए कि जो थोड़ो खुदरो नाम थोड़े मो फिट हो जोड़े फिर भी अंगूठा खोलने आपने नाम नहीं माना फेरी नारायण नारायण मदन 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 किया नहीं किया उन्हें समझ लियो कि मदन नाम इन लोगों ने मेरा दे दिया बस जन्म जन नाम नहीं मिले नाम में टाबर हुई पचे उन्हें तीन विवाद करे छोरो हो चोरी हुई विनाश हो गई पचे 10 दिन पचे ब्राह्मण नाम गिरा वो तो एक चौको है कौन कौन नो ठपो से दियो 10 दिन पचे अरे वो जेठा राम नाम दे दियो जन जेठा राम वो अगर जेठा राम जी का फुआ राम दे दियो तो वो जेठा राम नहीं होतो वो फुआ राम ही होते तो नाम तो पचे सबको से दियो अरे आप अनामी हो आपका नाम है ही नहीं आप निर्गुण निराकार सचित आनंद चेतन आत्मा हो और उन आत्मा में कोई रगड़ो दगड़ो नहीं है इन बात ने कई बार समझनी पड़े कई लोग संतो भाई कह तो मानो क्या लोग नाम दे कोई कह हेठो कोई कह संतो कोई भजन जी माने ज्ञान भक्ति की चीज याद को रहे नहीं तो याद नहीं रहे तो पर व्याम करियो रो हो करियो तो थोड़े घराणी रो कोई ना उन नाम तो लासो तो ओ याद की करियो जो उन लगा रहे जो इन लगा रहे तो ओ याद रहे से पूरे जटिन लगा रहे तो चीज याद रहे तो इन आत्मा रे ज्ञान में लगा करो भाई बाकी शुभ कर्म करना चाहिए मनुष्य ने अशुभ कर्म नहीं करना चाहिए कबीर साहब कहे हैं आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर कोई सिंहासन चढ़ चले कोई बन जाए जंजीर किन्हें जो सिंहासन में बैठा ले जाई और किन्हें किंगा टोली कर ले जाई और इन्हें वास्ते ते देखो मैं पसे करो कहीं जिन्हें के हमारा भक्ति करना दिन थोड़ा जी मैं पसे करो क्या बेलाई गारंटी लिखा लाया
अरे पेड़ी गर्म जी लाये हर माह के बेटा के तो जाने गलती कर दी नहीं तो वो थोड़ा पसलो टाइम फ़ास ले गया कभी जा गंदी दे का मोल भरोसा ना है काल बाजारों में तब आज मसालों में और इन्हें वास्ते करो तो आची करो बुरी विचारों ना है कसर पड़े जो क्या करो इन ऊंची उम्र में कसर पड़े जो क्या करो इन आत्मा ने और बहुत थारो बेड़ो पार जानी और आत्मा ने और बहुत दिनो सीक्रेट है दिनो बिहार एक बाप और बेटो खुद कर रहे हैं और ओ ओ ओ ओ ऐसा नहीं है सर हमारे यहाँ ऐसा नहीं होते तो कोई बात बोले सवाल चले गए तो हैंग और मोरे ध्यान से रही तो थे हमारे कहता नहीं मोर ध्यान से रही तो हमें थे खुद ही कर दें थोड़ी पर वैसे नहीं टाइम लोग कर ही दियो अरे नहीं नहीं और थोड़े भाई यही नहीं बात अपन पास बात कर दो अपना आराम कर दो तो बाप और बेटो दो ही बैठा बैठ कर कमरे में अखबार पढ़ते पढ़ते मौ कोई जोर भजीर बाजी वजीर भाई जो उनका बाप बोलियो रे बेटा ओ वजीर के न बाद जो तो देख तो अभी भी नहीं कह रहे घर ही आई है घर है ठीक कर फोड़ दे इन देख जो रे कौन ना घर है हम फोड़ दे तो देख तो बेटो हो न पास अखबार पढ़ न बैठ गयो बड़े थोड़ी देर बाप रे तो जावे तो नहीं कह रहे घर ही आई है पूरा घर ठीक कर फोड़ दे तो देख तो कोई बेटो नहीं बोलियो अखबार पढ़े बाप ने री सही तो क्यों तो होड़ा ही बोल माँ खाली लगे बीन माँ फोड़िया हो तो घरी का दिन रहो तो अपने अखबार पढ़े बाप ने जीत को दलियों को नहीं उठियो घर में गयो तो हाथ सीख के उलटा लाल तेल में गुड़ की उंगी भी धूझे नहीं तो कचारी कांसरी भरनी फूटोड़ी पड़ी तेल ढोलियो डो कुछ और कही हो कि गुड़ की बोली मारे हाथ में भरनी पिछले बीजो फूट की लोग रह गए फूटी थी तो फूटी धूल पड़ी भरनी जा रही पर हूँ बेटे थे कि कूड़ो पड़ मैं तो दोनों पीत नहीं फोड़ी बेटे ऊंचे बैठी कह दियो कि माँ फोड़ी हसी की माई फोड़ी मोड़ो पड़ियो बाप पाछो आयो और पूछियो बेटा थने अठ बैठो की तो ठा पड़ियो जो भरनी माई माँ फोड़ी तने बोल दियो पिताजी अंदर विवेक होना चाहिए ज्ञान के लिए विवेक जरूरी है अंदर विवेक है तो अठ बैठो ठा पड़ जावे थे समझो ही कौन नहीं थारी बींद नहीं रे हाथ से भरनी फूटी हो तो बस हाउ वालो बॉम रो उन आवाज रे बाद में थन बार होनी नहीं कुछ हाउ वालो आपको बारे नहीं आयो बॉम रो बारे नहीं आयो रो तो सच से सिर्फ जो है डोक नहीं जाते जो ने वो तो वो खान का ही जो हो तो अपने आप सिद्ध तो इन्हीं तरीके हूँ और तो बड़ी बड़ी में सुबह हर वस्तु नाश हो ए बाखरा बाखर उड़ जावे दरखत उड़ जावे किला कोट जुड़ जावे और शरीर भी जुड़ जावे लेकिन इनमें रहने वालों चेतन हंसो है और तो लारे जन्म में कटे उतर जटी हो ही तो हमें ही हो ही दे और धके कटे जन्म नहीं तो यही दे और अगर इन्हें ओढ़ लियो तो मुक्ति हो जाए इन वास्ते मैं आप छुटू और मारे भाई थोड़ा जरूरी काम है नारायण जी ने हाड़ी के बेटी जो ब्याह है सुर्ख में और मैं उठे जो एक लारी बोले मारे में सुबह जाऊँगा है सुर्त पर मैं अटे मारे खास हटो जी आप थैंक पदार किया होनी हम तुमको मर्यादा खत्म है घर में आयो हाजिरी दी दी आप रहे घर में छुट्टी मांगो पाँच साली ट्रेन में जाऊँ नहीं तो बड़े छुट्टी से गया लाया हमारा साहब ने और वैसा माफ कर दीजिए हाँ, बहुत बढ़िया है तो बूढ़े आदमी और आशीर्वाद सही है मारे थोड़े को तो ये लगा नहीं ना के ये बातों का